वाह मुख्यमंत्री जी वाह, हेमंत सोरेन जी आपने झूठ बोल करके फरेब करके जनता को एक रंगीन सपने दिखा करके आपने पद हासिल किया। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आपने बैठने का काम किया, लेकिन क्या हुआ वादा, क्या हुआ? पंचायत सचिव से आपने जो अभ्यर्थी हैं उससे वादा किया था, 12 शिक्षकों से आपने वादा किया था, होमगार्ड के जवानों से आपने वादा किया था, हाई स्कूल के जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनसे आपने वादा किया था, संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों से वादा किया था। वादे की बात आपको हम ध्यान में इसलिए दिला रहे हैं कि काट की हाड़ी एक बार चलती है, बार बार नहीं चलती है। मुख्यमंत्री जी, मैं आग्रह निवेदन और करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों से, 12 शिक्षकों से, होमगार्ड के जवानों से, हाई स्कूल के शिक्षकों से एवं संविदा पर काम करने वाले लोगों पर जिन पर आज आफत आई हुई है, और आफत इसलिए आई हुई है कि ये सरकार निकम्मी सरकार है। इसलिए मधुपुर में उपचुनाव हो रहा है 17 अप्रैल को, उस दिन आप जन जागरण अभियान चलाइए, वहाँ पर आप सोशल मीडिया पर लोगों को बताइए कि किस प्रकार से यह सरकार वादा खिलाफी सरकार है, और इसको मधुपुर में चुनाव हरा करके एक सबक सिखाने का आप काम करें। यही मेरा आग्रह है, करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है सभी पंचायत सचिव के लोगों से, 12 शिक्षकों से, होमगार्ड के जवानों से, हाई स्कूल के शिक्षकों से एवं संविदा पर काम करने वाले लोगों पर। ये मौका चूकिए मत, चूकने मत, चूकिए मत। बहुत बहुत आप सब लोगों के प्रति आभार, धन्यवाद।